ओके सर, और सर इसकी वाइटनिंग करवाने के बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट्स या हमारे दांत को ये डैमेज तो नहीं करती वाइटनिंग? देखें, नहीं, टीथ वाइटनिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस कि यू हैव गम डिजीज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वरना आपको टीथ वाइटनिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस कि यू हैव कोई अंडरलाइंग टूथ या गम डिजीज आपको चल रही है, उसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट होगा। हाँ, बहुत फ्रीक्वेंटली कराना टीथ वाइटनिंग जस्ट टू गेट, वो मैं नहीं सजेस्ट करता। लेकिन दुनिया में होता क्या है, अगर किसी को टीथ वाइटनिंग में अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली कराएंगे तो उससे शायद आपके दांतों में सेंसिटिविटी डेवलप हो जाए, क्योंकि जो जो लेज़र ये सॉरी जो ये जो जेल है, ये एक्चुअली आपके एनामल रॉड, जैसे आप ये समझिए मेरे दांतों के ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर है ना, वो आप समझ लें कि ये ऐसे होती है जो एनामल की लेयर है। अब इस एनामल की लेयर को पेनिट्रेट करने के लिए जेल जो है जो पेनिट्रेट करती है उसको काफ़ी अर्सा लगता है, क्योंकि ये इंटेंगल्ड हैं, ठीक है, इस तरह आपस में क्रिस क्रॉस है। मैं आपको ये पिक्चर भी दिखा दूंगा कैसे एनामल के जो सबसे टॉप पे लेयर होती है दांतों की, वो कैसे उसको पेनिट्रेट करके जेल विद टाइम जो है ना वाइट करती है। मोस्ट कॉमनली प्रोसीजर्स वाइटनिंग के ऐसे होते हैं कि हम इन ऑफिस यानी हमारे ऑफिस में डेंटल ऑफिस में लोग आके टीथ वाइटनिंग कराते हैं, और उसके बाद हमारे मुल्क में तो नहीं लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है कि जो डेंटिस्ट है वो ये अपने पेशेंट को रिकमेंड करता है कि आप इसके साथ होम ब्लीच भी कराएं। होम ब्लीच या होम किट क्या है, वो बेसिकली आपके दांतों का एक सांचा बना के, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, वैसे बना के आपको जेल की एक समझ ले प्रोडक्ट होती है, जिस तरह हम आपके दांतों पे ऑफिस में जेल लगा रहे हैं उसी तरह हम आपको एक 10 से 12 सेट की जेल दे सकते हैं। वो आप डेली उसको यूज़ करेंगे जब तक कि आप उस रिजल्ट से हैप्पी हैं, देन यू कैन स्टॉप, एंड देन एनी टाइम यू नॉट हैप्पी यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। सो इसका ये है कि टीथ वाइटनिंग का ये एक बड़ा कॉमन प्रोसीजर सिलसिला है, और इस तरह आप ये कर सकते हो। ठीक है, और सर इसकी कोई प्रिकॉशंस टीथ वाइटनिंग के बाद हमें क्या रखनी चाहिए? टीथ वाइटनिंग के बाद देखें कॉमन प्रिकॉशंस, एनी वे आप फिजी ड्रिंक्स मत पिए। फिजी ड्रिंक्स से क्या होता है, फिजी ड्रिंक्स के अंदर होता क्या है, फिजी ड्रिंक्स के अंदर कार्बोनेटेड पता है आपको, वो कार्बोनेटेड जो है वो आपके दांतों के साथ स्टिक करता है, तो कार्बोनेटेड आइंस जो है वो आपके दांतों को स्टिक करके उनको इरोड करते हैं। सो एनी बडी हु इज गोइंग टू गेट टीथ वाइटनिंग, सबसे पहली चीज अवॉइड फिजी ड्रिंक्स, टी एंड कॉफी अवॉइड फॉर इन द फर्स्ट 72 आवर्स आफ्टर टीथ वाइटनिंग, ठीक है। बाकी आपने हल्दी हमारे खानों में बहुत होती है उसको अवॉइड करें, सिगरेट को अवॉइड करें, बाकी कॉमनली मोस्टली एवरीथिंग इज फाइन, एज लॉन्ग जो जिस तरह की बातें मैंने आपको टीथ वाइटनिंग के अलावा भी जिन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, वो वही हैं जो टीथ वाइटनिंग के लिए होंगे, यानी फिजी ड्रिंक्स हो गए, कोई बहुत ज़्यादा कलर्ड फूड हो गया, या इस तरह की चीज़ें जिससे आपके दांतों को स्टेन आता है। कॉफ़ी एंड टी आफ्टर 72 आवर्स यू कैन हैव, इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग ऑफ इशू, टी एंड कॉफ़ी इज़ नॉट योर इशू, स्पेशली बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत चाय पीता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मेरे दांत, वो आपका इशू नहीं है, इशू आपका फिजी ड्रिंक्स है जिसके अंदर कार्बोनेटेड आइन्स होते हैं और वो आपके दांतों को खराब करते हैं। ओके, और ये कितने अर्से में करवानी चाहिए? 6 months, यू कैन हैव टीथ वाइटनिंग इन 6 months इफ योर अगर आपको 6 months के अंदर करा लें कोई इशू। अच्छा ओके सर, तो ये एक मुझे बताएं कि जो कमर्शियली अवेलेबल वाइटनिंग स्ट्रिप्स हैं और जो चारकोल वाइटनिंग है ये क्या चीज़ है? देखिए, ओवर द काउंटर स्ट्रिप्स अच्छी हैं, अगर आपको उसका रिजल्ट मिलता है तो देर गुड, बट दे टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम देन इफ यू गो टू द डेंटल ऑफिस और वहाँ वाइटिंग करें, तो यस दे आर गुड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में इतनी कोई अवेलेबल नहीं है, अगर होंगी भी तो उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, बिकॉज उनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर वो चीज़ एक्चुअली नहीं है जो कि टीथ वाइटनिंग के लिए होनी चाहिए, बट पीपल आर ऑब्वियसली ब्रांड्स आर शोइंग कि हम कर रहे हैं, तो अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, बट दे ऑब्वियसली टेक लॉन्गर टाइम, बट इन्वेस्ट, हाँ स्ट्रिप्स का काफ़ी फ़ायदा है, लोग यूज़ करते हैं, क्रेस्ट की एक स्ट्रिप आती है वो अमेरिका से बहुत लोग यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा भी है, बट ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स दे नॉर्मली ऑब्वियसली डेंटल विजिट इज एक्सपेंसिव, टीथ वाइटनिंग एंड डेंटल ऑफिस इज एक्सपेंसिव, तो उसमें ये है कि लोग ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर चीपर, और सुपर मार्केट्स के अंदर यूज़ लोग जाते हैं, वहाँ पे इतना बड़ा अच्छा स्टॉल लगा होता है, स्पेशली मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे या दुबई शुबई में भी, वेस्ट मिडल ईस्ट में भी इसकी काफ़ी, मिडल ईस्ट में आपको पता है ना कि हमारे लोगों को स्पेशली जो मिडल ईस्ट की खवातीन उनको वाइट और बिग टीथ और बहुत ज़्यादा वाइट टीथ का शौक है, मैन एंड वेमेन बोथ, बट यह है कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर बहुत बिकती हैं, हमारे मुल्क में भी बिक रही हैं, दे आर गुड बट दे विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम देन एक्चुअली इफ यू गो टू द डेंटल ऑफ। ओके सर, और सर ये स्ट्रिप्स होती क्या हैं, ये वाइटनिंग स्ट्रिप्स?
वाइटनिंग स्ट्रिप समझ आप समझ लें कि आपके दांतों की जो फ्रंट सरफेस है ना उसके ऊपर एक पॉलीथीन सॉरी क्लियर या बिल्कुल क्लियर किस्म की स्ट्रिप्स है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये वीडियो के अंदर भी कि ये क्या है। तो वो स्ट्रिप्स आपको इससे आपके दांतों पे चिपक जाएंगी, तो वो उसका तकरीबन 20-25-30 मिनट्स आपने लगा के रखना है और उनको डेली आप यूज़ कर सकते हैं। और दे आर बेसिकली टू जो आपके दांतों के ऊपर स्टेन्स वगैरह हैं वो उसको रिमूव कर देती हैं। एज आई सेड के ये दे आर गुड बट डेफिनेटली वर्थ के आप डेंटिस्ट से जाके टीथ वाइटनिंग कराएं। ठीक है, और सर लास्ट में बता दें कि अगर हम क्लिनिक में टीथ वाइटनिंग कराते हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है? ये बड़ा एक क्वेश्चन है। अब पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि जैसे कि आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ गॉन सो एक्सपेंसिव, टीथ वाइटनिंग की जो सबसे कॉस्ट है ना वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका डेंटिस्ट है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको टीथ वाइटनिंग की क्यों ज़रूरत है। अगर वो डेंटिस्ट को ये नहीं पता टीथ वाइट टीथ उसने पेशेंट से सुना और पेशेंट ने आपको डेंटिस्ट ने जाकर टीथ वाइटनिंग कर दी, अब टीथ वाइटनिंग करने के बाद क्या जब पेशेंट है इज ही हैप्पी और शी हैप्पी विद व्हाट शी केम टू गेट, अगर तो वो सही है तो फिर ये है कि कॉस्ट समझ लें कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर बिटवीन 25 to 35 to 40,000 है डिपेंडिंग ऑन के प्रोसीजर में कौन सी चीज़ यूज हो। जैसे हमने कि पहले डिस्कस किया लेज़र लाइट है, एलईडी लाइट है या हेलोजन लाइट है, देर ऑल कॉस्ट इफेक्टिव। सो अगर आप एलईडी की बात करते हैं विद जेल तो आपको कोई 25,000 में करके दे रहा है तो वो अब आजकल की कॉस्ट इससे कम मैं मुझे नहीं पता कि कोई करे, अगर वो करेगा भी तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। द अदर थिंग इज जो लेज़र के साथ कर रहा है ऑब्वियसली लेज़र इज़ मोर एक्सपेंसिव एज अ प्रोडक्ट, लेज़र महंगी है, एक्टिवेशन जल्दी है, उसका प्रोसीजर टाइम कम है, तो उसकी कॉस्ट आप समझ लें विद लेज़र जेल वो डिफरेंट होती है, वो समझ लें कि 35 to 40,000। और अगर हैलोजन के साथ कर रहा है तो हैलोजन की ऑब्वियसली वो भी एक एक्सपेंसिव लैम्प है तो सिमिलरली अबाउट 50-45 to 50,000 इसकी कॉस्ट है डिपेंडिंग ऑन ईच डिफरेंट समझ लें कि डेंटल क्लिनिक्स। बट ये एवरेज कॉस्ट है जो मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग फ्रॉम एलईडी टू योर हैलोजन एंड लेजर लाइट। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग वाइटनिंग। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।